بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك صدق الله ومولانا العظيم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یفقہوا قولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا واننی فی بحر من مغرق نخزی حدیث اللہ اشکالنا لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناهما سیدا زہرا یا حضرت سفیدہ میرا لال پاک بہاول شیر کلندر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھیے باب الصلاۃ والسلام تو سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا خاتم النبیین بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبدِ خضرا کو حالے سنائیں گے مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے کرم کی جب نظر ہو
निहायत ही वाजिबुल एहतराम आली मकाम बुजुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों सामिन हजरात अबाबे ज़िवकार अल्लाह करीम जल्ला जलालुहू व अम्मन वालुहू दी हमदुर सनातु बाद दुरूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम दी पाक मुकद्दस मुतहर बार गालिया दे अंदर नजराना ए अकीदो तो मोहब्बत पेश करने तो बाद अहबाब ज़िवकार इपुन नूर साता जुम्मा शरीफ दिया अल्लाह करीम ने जिंदगी विच एक मरतबा फिर अता फरमाइया अल्लाह जुम्मा शरीफ की बरकत ना सगीरा कबीरा गुना माफ फरमाए जो जिंदगी दे साह बाकी ने अल्लाह करीम नेक और अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए अल्लाह करीम अपने महबूब अलैहिस्सलाम दा इश्क अता फरमाए अल्लाह अपना खौफ पैदा फरमाए जिहड़ी आयत मुबारका पढ़न दा शर्फ हासिल कीता है बड़ी तवज्जो दे नाल गौर दे नाल लगे अल्लाह फरमाया वलौ अन्नहुम ज़लमू अन्फुसहुम जाओ तकरीर वाज यही है अगर तुसी गौर कर लो इस जुमले दे विच ही है नमाज रब दी है नहीं पढ़दा गुनाहगार है अल्लाह फरमांदा जाओ का यार दे बूवे ते टुर जाओ रोजा है हुक्म किंदा है अल्लाह दा नमाज है अल्लाह दा हुक्म रोजा है बोलिए अल्लाह का हुक्म साहब इस्तात है जक़ात जक़ात अदा करे किसका हुक्म है अल्लाह का हुक्म दीगर जिंदगी के मामूलात जेड़े अल्लाह करीम हाँ साहब इस्तात है हज फर्ज है हज करे किदा हुक्म अच्छा अगर इंसान नहीं करता रोज़ा नहीं रखता नमाज नहीं पढ़ता जक़ात नहीं अदा करता हज नहीं करता और दीगर जो अल्लाह के अहकाम पूरे नहीं करता उस वास्ते की उनके वास्ते की हुक्म है नमाज किसकी है बोलिए नमाज किसकी है रोज़ा किसके लिए ज़कात किस लिए हज किस लिए अल्लाह फरमाता है नमाज नहीं पढ़ी रोज़ा नहीं रखिया ज़कात नहीं अदा की हज नहीं किया गुनाहगार होया हक रखते हो भी हक अदा नहीं किया तो गुनाहगार होया फरमाया जाओ का मेरे यार दे बूहे ते आ जाओ भाई दोबारा रिपीट कर रहे हैं थोड़े जेल अंदर बात बैठ जाए और तवज्जो कर रहा हूँ जी बात मैं अर्ज करना चाह रहे हैं नमाज है रब दी जकात भी रब दा हुक्म रोज़ा भी रब दा हुक्म हज भी रब दा हुक्म और आमाले साले रब दे हुक्म अहकामात ने बहुत सारिया बातें हैं अगर इंसान पूरियां नहीं करता तो गुनाहगार है ते नमाज रब दी है रोज़ा रब दा है जकात रब दी है सब कुछ रब दा है ते जिस बंदे दा बंदा काम ना करे ते बंदा गुनाहगार ते उंदा ही ठहरदा है ते बंदे नूं चाहिदा माफ़ी भी उंदे को मंगे इधर अल्लाह फरमा रहा है नमाज नहीं पढ़ी गुनाहगार है रोज़ा नहीं रखिया गुनाहगार है अमल चंगे नहीं कीते गुनाहगार है फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अन्फुसहुम जाओ का है गुनाहगार है यार दे बूवे ते आके माफ़ी मांग लै यार दा वसीला पा दे मैं माफ़ कर देंगा
अल्लाह फरमांदा है मेरे यार दे बूहे ते आ जा, मैं माफी दे देंगा और मैं इज्जत अता कर देंगा। माशाल्लाह, मैं इज्जत का ताज पहना देंगा, यार दे बूहे को ला जा। क्यों? पर मैं मनजारा कबरी वजबत लहू शफाअती। बोलिए सुभान अल्लाह। मनजारा कबरी वजबत लहू शफाअती। फरमाया जिसने मेरे रोज़ा अक्दस की ज़ियारत की, यानी मेरी कब्र की ज़ियारत की, उस पर मेरी शफात वाजब हो गई। भाई शफात वाजब होगी और उन लोगों पर वाजब होगी। फरमाया जो गुनाहगार, जो कबीरा गुनाह करने वाले, फरमाया उनकी सिफारिश और उनकी शफात मुस्तफ़ा करेंगे। मत कोई ज़हन में ये सवाल लेकर आए कि मुझे अमल लेके जाएंगे, मुझे नमाज लेके जाएगी, मुझे रोज़ा लेके जाएगा, मुझे और आमाले साले जन्नत में लेकर जाएंगे। अगर ये दिल मुस्तफ़ा की मोहब्बत से खाली रहा तो कोई अमल काबिल कबूल नहीं होगा। एक मरतबा जाकर महबूब के दर अक्दस पर हाजिरी देकर आ गया मन जार कबरी वजबत लहू शफाअती। हुजूर ने फरमाया फिर शफात वाजब हो गई है, मुझ पर वाजब हो गई है कि मैं अपने उम्मती की शफात करूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो अब आप मदीना पाक मक्का शरीफ गए हैं वो देखते हैं हुजूर के जालियों के ऊपर ये लिखा हुआ है, ये सारे मंजरनामे, ये सब कुछ लिखा हुआ। कैसा इंसान है जो बोले बैठा है, ज़ाते मुस्तफ़ा का ख्याल ही। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाया ना, जो तेरे दर से यार फिरते हैं। बोले नहीं आप जौक बनाए ना, ये इमाम अहमद रजा ने इस बात को बयान किया है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। चाहिदा तो है ना कि नमाज तो रब दी नहीं पढ़ी तो गुनाहगार है, मगर अल्लाह फरमाता है गुनाह गुनाहों में डूब गए हैं, लत पत हो गए हैं, यार दे बूहे ते आ जा, यार ने आग छड़िया मैं तेनों माफ़ कर देंगा। आए आए तो कुरान ने उसकी वजाहत बयान की थी। पहले अगे वाली सफ़ा मुकम्मल फरमा लो, जितने अहबाब हैं बच्चों नाल नाल बच्चों इमाम उलंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबाने अतर तो निकलिया। अल्लाह फरमाया वलौ अन्नहुम ज़लमु अन्फुसहुम जाऊ का फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। इमाम उलंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हुजूर दी जुबान अत्तर तो ऐलान जारी होया है, नमाज रोजा रब दी इबादत है, रब दा जिक्र और फिक्र है। फरमाया जदों मेरे यार दे बूहे ते आ जाए, सारी जिंदगी गुनाह करदा रहा है, सयाकारियां करदा रहा है, बदकारियां करदा रहा है, ना फरमानियां करदा रहा है। फरमाया यार दे बूहे ते आ जाए, फरमाया यार दे बूहे ते आके माफी मंगे, मेरा यार सिफारिश कर देगा मैं माफ कर दया, मैं माफ कर देंगा। मेरे यार दबूगे ते आ गया ते मैं माफ कर देंगा। अल्लाह दे जलाल लगी किसी की जरूरत नहीं होनी कि कोई कलाम कर सके, कोई बात कर सके। इतना बुरा हाल हशर होना है। फरमाया जदों यार दी गवारी आ रही है, सारिया कौम उम्मत रल गए, बल्कि इतने ठहर के एक मैं बात कर रहा, हजरत माइस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला हुजूर दी बारगाह च हाजिर हुए ते आके अर्ज कर लगे, या रसूल अल्लाह मैं गुनाह कर लिया, मैं गुनाह कर लिया ते मैनू पाक फरमाओ। गौर नहीं फरमाया, हुजूर दी बारगाह अंदर साहबी आकर करे, या रसूल अल्लाह तुसा मैनू पाक फरमाओ, तुसा मैनू पाक फरमाओ।
तीन नसीरों तीन नसीर गोलड़ वीर अहमदुल्लाह ताला ले बोले फरमाया जदों कीदा मेरे वाला मुहब्बत और प्यार बना लैके इमामुल अंबिया दी बारगाह दे अंदर जाके रोजा अकदस दे सामने खड़ा होके अर्ज करेगा वो साए तरसे इन्हें रोक न तू है दरबार। इत्थे ठहर के एक और गल कर लगा जदों किसी नूं बुलाया होवे माफी देनी होवे ते बुलाए ते इंज ते नहीं ना होंदा बंदा कवे घर आके घर बुला के भी बंदा कवे मैं तेनूं माफ नहीं करना हाय हाय घर बुलाया भी होवे ते फिर आके माफ नहीं करना ते फिर पता है ये वह बारगाह है जिहड़ी बारगाह है मुस्तफा है अल्लाह दे हबीब दी बारगाह है ते जो सरकार सानू बुलाणगे हैं ते इस वास्ते बुलाया ना माफ करने वास्ते माफ करने वास्ते ही बुलाया पीर नसीरो दिन नसीर बोले फरमाया जो जावांगे वो साए दर से इन्हें रोक ना तू है दरबार खुद नहीं आए ये मेहमान बुलाए मिसरा गला मिलके दार करो खुद नहीं आए ये मेहमान बुलाए हुए हैं खुद नहीं आए ये मेहमान बुलाए यार रब्बुल आलमीन तेरे यार दे भूवे ते ताया वलाओ अन्नाओ इज़ालमो अनफुसा हम जाओ का फस्तगफर अल्लाह वस्तगफरा हम रसूल लवजदुल्लाह तवाबर रहीम फरमाया यार दे मुंहे ते आ गए हजरत माइज बिन मालिक रजी अल्लाह तआला नु इमामुल अंबिया दी बारगाह लंगी अंदर आके अर्ज करदे ने या रसूल अल्लाह गुनाह हो गया है आका करीम ने बारगाह अंदर अर्ज की या रसूल अल्लाह तू सा मेनू पाक फरमाओ साहबी के अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह तू सा मेनू पाक फरमाओ ते साहबा पता ने ओ जिन्ना ए कौल फिल अमल किस वास्ते कीता है तो आड़े मेरे वास्ते कीता है बात समझ आ रही कि तो आड़े मेरे वास्ते अमल कीता है अल्लाह अकबर ते बड़ा इलम और इलम समझने वाले साहबा और जेड़े पढ़े ही मुस्तफा को ने कोई आखे मेरा उस्ताद बड़ा फलां मुफक्कर है मुहद्दस है सैयद है फलां है फलां है पर सरकार तो ते वध के कोई नहीं ना माज बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अनु बात कंप्लीट करिए जुम्मे का टाइम ही थोड़ा होंगे हजरत माज बिन मालिक फरमाते ने मैं नबी पाक दे बारगाह चर्ज की थी या रसूल अल्लाह मैनू पाक फरमाओ मैनू पाक फरमाओ हुजूर सलाम ने फरमाया माज की कीता है या रसूल अल्लाह मैं जिना कर बैठा की कर बैठा जिना कर बैठा तो या रसूल अल्लाह तुसा मैनू पाक फरमाओ हुजूर फरमाए जा अल्लाह दी बारगाह च जाके इस्तिगफार करके आ इस्तिगफार कर अल्लाह दी बारगाह च जस्तजू कर अर्जो मारूज कर हजरत माइज बिन मालिक रदी अल्लाह उन्हें फरमाते हुजूर दा हुक्म सी ओ हुजूर को लाए ने या रसूल अल्लाह तुसा पाक करो सरकार फरमा रहे ने रब दी बारगाह जा इस्तिगफार कर हुण जिहड़ी बात हुजूर फरमा देन वह है शरीयत जी जिहड़ी बात हुजूर फरमा देन वह है शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिस चीज़ तो मना फरमा दे और ये भी सरकार ने दस्या है अल्लाह दी बारगाह इस्तिगफार करके आ जी अल्लाह हुजूर ये तो नहीं फरमाया कि मैं पाक किवें करा तू मैनू कह रहे हैं पाक कर अल्लाह अकबर हुजूर गए साहब अगर माज बिन मालिक चंद कदम हटे पीछे तो फिर वापस आ गए वापस आके पता की कर या रसूल अल्लाह मैनू पाक फरमाओ दूसरी मरतबा फिर हुजूर फरमाया इस्तिगफार करो रब दी बारगाह जी चंद कदम और चल के अगे गए फिर वापस आए या रसूल अल्लाह तुसा मैनू पाक फरमाओ।
بات سمجھے چار ہی دل جگہ دے آ جائے حضرت مائز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو فرماؤں دے نہیں ایک مرتبہ آیا دو مرتبہ آیا تین مرتبہ آیا تیسری مرتبہ گئے حضرت مائز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو تیسری مرتبہ چند قدم دور چل کے پھر واپس آ گئے امام الانبیاء دی بارگاہ اندر حضرت مائز بن مالک چوتھی مرتبہ جس ویلے آئے حضور فرمایا مائز بن مالک کی گل ہے یا رسول اللہ تسا مینو پاک فرماؤ سونا تسا مینو پاک فرماؤ میں عرض کیتی یا رسول اللہ سونے آ حضرت مائز بن مالک عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ سونے آ تو سامنے پاک فرماؤ مہربانی فرماؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وجہ پوچھی عرض کی تھی یا رسول اللہ سونے آ میں زنا کر بیٹھا ہاں گناہ کر بیٹھا ہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے فرمایا پوچھو اسنو ایک تے شراب تے نہیں پیتی ہوئی صحابہ کرام اٹھ کے جناب والا قریب ہوئے یا رسول اللہ نہیں نہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ویکھو کدے مجنوں تے نہیں ہویا آدھا مجنون ہون کدے مجنون تے نہیں ہو گیا حضرت مائز بن مالک دے بارے صحابہ کرام عرض کی تھی یا رسول اللہ سونے نہ مجنون ہویا ہے نہ سونے کوئی ایسا نشہ کیتا ہویا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مائز بن مالک جی یا رسول اللہ سونے حکم ہوئے میرے آقا کریم علیہ السلام سلام نے فرمایا جا اپنے گھر چلا جا تیرے تے جناب والا لاگو ہو گیا ہے تیرے تے جناب والا حد لاگو ہو گئی ہے یا رسول اللہ کی ہویا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تینوں زمین اندر دسا دیتا جائے اتوں جناب والا پتھر مارے جان پھر جناب والا حد پوری ہوئے گی حضرت مائز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو اتنی بات سنی گھر چلے گئے آقا کریم علیہ السلام دے غلامو حضور کار چلے گئے تھوڑی دیر تو بعد سرکار گئے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت مائز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو ویکھیا اور آپ دی ایک گل نو بیان کیتا صحابہ کرام عرض کیتی یا رسول اللہ سونے مدینے دے تاجدار بات سمجھ نہیں آ رہی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس طرح میرے مائز نے توبہ کیتی ہے جس طرح میرے مائز نے استغفار کیتی ہے جس طرح میرے مائز نے توبہ کیتی ہے جس طرح میرے مائز نے استغفار کیتی ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میری ساری امت دے وچ توبہ تقسیم کیتی جائے اللہ میری ساری امت دی اس توبہ دے صدقے نال بخشش فرما دے گا میری ساری امت گناہگار جے حضور دا ایک صحابی اور غلام توبہ کرے اس دی توبہ اتنی سچی اور پکی ہوئے پھر یار نے بوا دسیا کہ نہیں دسیا گل نتیجے تے پہنچیا جے یار نے پھر نتیجہ بیان کیتا کہ نہیں جدو آ گئے ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ فرمایا جدو یار دے بوے تے آ جاؤ گے سفارش یار کرے گا پھر تو جدو یار نے سفارش کرنی تو پھر سرکار نے دعا بھی تو کرنی نے یا اللہ یا رسول اللہ کیسی توبہ سمجھ نہیں آئی حضور فرمایا حضرت مائز بن مالک دی توبہ اگر میری امت دے وچ تقسیم کیتی جائے تو اللہ میری امت دی بخشش فرما دے میں کیا مائز بن مالک دی توبہ پوری امت بارگاہ اندر جناب والا پوری امت گناہگار جڑی ہے انہاں وچ تقسیم کیتی جائے تے اتنا شان و شوکت ہے اگر حشر والے نا کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جے غلام اتنی شان والا ہے پھر آقا امام الانبیاء زہرا دے بابا حسنین دے نانا دی شان و عظمت دا کی کمال ہوئے گا حضور دی شان و عظمت دا کی کمال ہوئے گا میں کیا پھر گناہگار جدو نبی پاک دی بارگاہ اندر جان گے حشر دا میدان برپا ہویا ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا ہر بندہ دوڑے گا کوئی ادھر جائے گا کوئی ادھر جائے گا یا رسول اللہ سفارش کرے آ جے شفاعت کرے آ جے یا رسول اللہ مہربانی فرمایا جے میں کیا ہوتے صدا ہی بلند ہونی ہے یا رسول اللہ سونے گناہگار ضرور آ قدار نہیں آ پر سونے تواڈے نال دنیا اتے رہ کے پیار کرن دا اعلان کر کے کہندے رہے ہیں گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے
या रसूल अल्लाह दुनिया उत्ते रह के मैं तो मस्जिद अंदर जाके ऐलान करता रहा, मिंबर व्यास से बह के ऐलान करता रहा, मैनू सहारा असी को लवारस सानू सहारा मदीने के ताजदार का है, सानू सहारा सरकार का कि हजूर का सहारा। या रसूल मैं दुनिया उत्ते ऐलान करता रहा, मैं क्या मैं तो तकिया चौक दी मस्जिद अंदर यही पैगाम देता रहा, या रसूल अल्लाह सोने असी हशर वाले दिन अगर अल्लाह तौफीक दी अल्लाह करम फरमाया अल्लाह अपनी रहमत फरमाई तो अर्ज करांगे या रसूल अल्लाह सोने अज गुनाहगार फस गए ने सोने, अज सयाकार फस गए ने, अज हालात सोने बड़े फस गए ने सोने, चंगा नहीं किया सोने, दुनिया उत्ते तुसा मौका दिता है यार बलाल नमाजा नहीं पढ़ सके, इबादत नहीं कर सके, तेरे यार नो राजी नहीं कर सके, गुनाहगार जरूर आ पर तेरे यार नाल प्यार करने आ गुनाहगार, जो माशर में फरियाद करेंगे गुनाहगार, जो माशर में फरियाद करेंगे, गुनाहगार इमाम अंबिया दी बारगाह अंदर अर्ज करनगे या रसूल अल्लाह सोणिया दुनिया उत्ते भी तुहानू याद करने सा, अज सोणिया पुरसाने आले मां छड़ गई है, भरा छड़ गया है, बीवी बच्चे औलाद छड़ गए ने, सोणिया जिन्ना वास्ते दिन रात मेहनत कोशिशां करदे रहया अज कोई नाल नहीं, अज कोई सहारा देण वाला नहीं है, अज कोई बोलण वाला नहीं, अज ते कोई एक नेकी देण वास्ते भी तैयार नहीं है। फरमाया जो ये अर्जा मरूज करांगे गुनाहगार रो रो के अर्जा करेगा, गुनाहगार जो माशर में फरियाद करेंगे, अगों आवाज की आएगी आया हूँ सरकार कहेंगे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया जो तो गुनाहगार सदा देगा ना तो फिर सरकार ये को आवाज देंगे, हाय हाय खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। हुजूर फरमाया हशर वाले दिन सबसे पहले मेरी सिफारिश और मेरी शफात मानी जाएगी, सबसे पहले को माना जाएगा रब के हुजूर, इतना जलाल होगा रब का कि कोई आंख भी नहीं उठा सकेगा, बोलना तो दूर की बात कोई आंख भी नहीं उठा सकेगा, पर मैं रब के जलाल के आगे सिर्फ एक जात है, वो जाते मुस्तफा है जो सिर्फ आंख नहीं उठाएगी, सर को सजदे में से रख के अर्ज करेगी या अल्लाह उम्मत बड़ी गुनाहगार है आज रहमत फरमा दे, या अल्लाह उम्मत बड़ी गुनाहगार है। वो कहा ना मांगने का भी तरीका होना चाहिए, अर्ज करने का भी तरीका होना चाहिए ना, तो हुजूर फरमाते हैं जब मैं रब की बारगाह में अर्ज करूंगा तो मैं सजदा करूंगा। ओके अल्लाह को झुके हुए लोग बड़े पसंद हैं, आजजी वाले बड़े पसंद हैं, तो हुजूर फरमाते हैं मैं तो सरापाए आजजी बन के आया, सरापाए मौजजा बन के आया, सरापाए अखलाक व किरदार बन के आया, वो जाते मुस्तफा है। फरमाया जब हुजूर सर सजदे में रखेंगे तो फिर सिफारिश भी करेंगे। हजरत रबिया वाली बात याद आ गई ना, नबी अलैहिस्सलाम हजरत रबिया वजू करा रहे हैं, तो वजू करांदे करांदे ना हजरत रबिया नबी पाक दे चेहरे वाल वेखिया, अहले ज़ौक दी नज़र गल पेश कर रहे हैं, हुजूर वर देखिया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ना क्या बात है, मैं सरकार तो कुर्बान जावा, हुजूर ने नजरां उठा के हजरत रबिया वाल वेख के फरमाया रबिया सल रबिया मंग की मंगना है, आवाज़ नहीं आई थोड़ी, हुजूर फरमाया सल रबिया मंग की मंगना है, रहमत मुस्तफा करम आज बाला है वाम आ गया है, करम ही करम, वजू करा रहे ने बर्तन फड़या है, हुजूर फरमाया सल रबिया मंग की मंगना है, हाथ जोड़े या रसूल अल्लाह जो मंगागा दियोगे,
आवाज़ छल सुभान अल्लाह दी आनी चाहिए है ना। मलक नसार अवान साहब मास्टर एच डी वाले इन्हों की वीडियो पूरी दुनिया के ज और इन्हों की मुहब्बत आ रहे हैं। अल्लाह करीम बरकत नाल माला माल फरमाए। पता चले तकिया चौक वाले बंदे जे अच्छा जुमला सुन लो जे दिल च भावे तो फिर बोलिया जे हुजूर दी बारगाह सहाबी अर्ज की या रसूल अल्लाह सोना जो मंगागा दियोगे या अल्लाह जेड़ा ए बोले प्यार और मोहब्बत ना उन्हों बरकत अता फरमा दे या अल्लाह जेड़ा और उच्ची आवाज ना बोले इस साल मदीना पाक चला जाए। हजरत टाइम खत्म हो गया बस गल ही खत्म कर रहे हैं। हजरत रबिया रजी अल्लाह हजूर या रसूल्ला जो मंगा गए हजूर फरमाया मंग की मंगना है मेरे आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया जा रबिया तेन जन्नत दिती हाय हाय जा रबिया तेन जन्नत दिती। हजरत रबिया रजी अल्लाह तआला ने अर्ज की यार सुन अल्लाह सोने मेरे माँ बाप कुरबान सोने जदों तुहाडा कलमा पढ़ रहा रब जन्नत एवें दे देनी है मंगण वाले भी कैसे ने। हजरत रबिया अर्ज कर लगे यार सुन अल्लाह सोने जन्नत रब तुहाडे सदके दे ही देनी है सोने जदों कलमा तुहाडा पढ़ लिया है जदों निस्बत हसनैन दे नाने नाल ला ली है जदों निस्बत सैयदा ज़हरा पाक दे बाबा जान नाल ला ली है सोने फिर जन्नत रब दे ही देनी है। हुजूर फरमाया साल रबिया मंग की मंगना है। हजरत रबिया रजी अल्लाह तआला नो अर्ज कर लगे यार सुन अल्लाह सोने मैं जिवें दुनिया उत्ते तुहाडे नाल आ जदों दिल करदा है सोने तुहाडा दीदार कर लैना वा जदों दिल करदा है तुहाडे कोल आ के बह जाना वा सोने हशर वाले दिन भी ये मामला हो जाए। हुजूर फरमाया सर मियां ठीक हो गया या रसूल अल्लाह सोने मैं नबी पाक दी बारगाह हजरत रबिया अर्ज की थी या रसूल अल्लाह सोने मैं इत्थे जिवें दुनिया उत्ते सोने तुहाडा साथ हशर वाले दिन भी इंज मैं तुहाडे नाल ही आवां इंज सोने मैं तुहाडे नाल आवां। मैं क्या रबिया मंगण वाले ने की मंगया है तुझको तुझी से मांग कर मिसरा सुने जो अगर जौक हो इजहार करें आज हजरत रबिया मंगण वाले ने फिर मंगिया की है जे रहमत मुस्तफा जोश चे ते अगो मंगण वाले साहिल ने की अर्ज की थी है तुझको तुझी से मांग के जुमलिया वल तवज्जो करो तुझको तुझी से मांग के अच्छा रहा मंगता तेरा तुझको तुझी से मांग के अच्छा रहा मंगता तेरा तुझको तुझी से मांग के अच्छा रहा तुझको तुझी से मांग के अच्छा रहा पूरा मिसराना है मंगता तेरा बोलो इजहार करो मां अच्छा रहा मंगता तेरा अच्छा रहा और रहमत भी पूरे रहमत भी पूरे जोश पर थी मैं भी तो बेखबर ना था तुझको तुझी से मांग के अच्छा रहा अच्छा रहा अच्छा रहा अच्छा अच्छा रहा बस अच्छा रहा।
अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शफात नसीब फरमाए। नेक्स्ट जुम्मा वे इंशाल्लाह शफात मुस्तफा ते होएगा। इस तो अगे बात चलावांगे, टाइम हो गया। अल्लाह नबी पाक दशत का हाजरी कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।